अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू उर्दू गर्ल्स। व्यूवर्स, आज मैं आपको 4 साल की बच्ची की जैकेट तैयार करने का कंप्लीट मेथड सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फैंसी फैब्रिक तकरीबन 1/2 मीटर लिया है और ये प्लेन फैब्रिक लाइनिंग के लिए है। व्यूवर्स, ये फ्रॉक मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है। अब इसकी मेजरमेंट करते हुए हम जैकेट तैयार करेंगे। कपड़े को खोलकर लंबाई में रखें। अब फ्रॉक की अपर पार्ट से जैकेट की लंबाई मेजर करें। फ्रॉक की अपर साइड तकरीबन 10.5 इंच है, तो कपड़े पर लंबाई 11.5 इंच मार्क करें। अब कपड़ा चौड़ाई में रखें और फ्रॉक की चेस्ट से मेजरमेंट करें। फ्रॉक की चेस्ट 14.7 इंच है, कपड़े पर 15.5 इंच पर मार्क करें और चौड़ाई की कटिंग करें। आप लंबाई के मार्क के मुताबिक कपड़ा डबल करें। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो लंबाई में से कटिंग कर दें। अब शोल्डर मेजर करें, 11.5 इंच हैं। अब शोल्डर का मार्क 5.7 इंच पर लगाएं। आर्म होल मेजर करें, 6.5 इंच हैं। लंबाई में 6.5 इंच पर मार्क करें और स्क्वायर बनाएं। अब कॉर्नर से 1 इंच लेते हुए गुलाई करें। चेस्ट 14.7 इंच है, तो 7.3 इंच पर मार्क करें। अब चेस्ट के मार्क से स्केल को हल्का सा तिरछा रखें और मार्क करें। ऊपर शोल्डर से 1/2 इंच तिरछा मार्क करें। अब मार्किंग के मुताबिक कटिंग करें। नीचे से तकरीबन 7 पॉइंट पर तिरछा मार्क करें और कटिंग करें। आप सिर्फ फ्रंट साइड का पीस उठाएं और फ्रंट साइड की कटिंग करें। सिर्फ फ्रंट साइड की शोल्डर से 1/2 इंच तिरछा मार्क करके कटिंग करें। आप आर्म होल की डीप कटिंग करने के लिए फिटिंग के निशान से इस तरह डीप मार्क करके कटिंग करें। नेकलाइन की चौड़ाई 2.7 इंच मार्क करें। लंबाई 3.5 इंच मार्क करें। स्क्वायर बनाएं और गुलाई करके कटिंग करें। अब नेकलाइन के नीचे 5 इंच पर मार्क करें। नीचे से 3.5 इंच मार्क करें और इस तरह से गुलाई करें। सेंटर से कटिंग कर लें और ये कोना हल्की सी कटिंग करते हुए गोल करें। अब बैक साइड नीचे रखें और बैक नेक लाइन की चौड़ाई फ्रंट के मुताबिक सेम रखें। लंबाई 1.5 इंच लें और गुलाई करके कटिंग करें। व्यूवर्स, जैकेट की लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट है। अब इसी पैटर्न पर हम फैंसी कपड़े पर कटिंग करेंगे। कपड़े को डबल करके रखें और जैकेट का फ्रंट साइड ऊपर रखकर सेम कटिंग करें। व्यूवर्स, ये फ्रंट साइड की कटिंग है। अब बैक साइड के लिए कपड़ा डबल करके रखें और बैक साइड ऊपर रखकर सेम कटिंग करें। व्यूवर्स, जैकेट की कटिंग कंप्लीट है। आइए अब स्टिच करते हैं। पहले लाइनिंग वाले कपड़े की फ्रंट और बैक शोल्डर से स्टिच करें। अब जैकेट का ऊपर वाला कपड़ा भी शोल्डर से अटैच करें। अब दोनों पीसीज की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए ऊपर नीचे रखें। और फिटिंग के मार्क से स्टार्ट लेते हुए आर्म होल की सिलाई लगाएं। इसी तरह दूसरी साइड के आर्म होल को स्टिच करें। अब आर्म होल में हल्के हल्के कट्स लगाएं। अब तकरीबन 17 इंच लंबी 2 डोरियां लें। एक्स्ट्रा कपड़े पर 3.5 इंच के 2 स्क्वायर कटिंग करें। अब सेंटर से डबल करके गुलाई करें।
और कटिंग करें। अब नीचे की गोलाई पर सिलाई लगाएं। अब सीधी तरफ पलट लें। गोलाई में कोई डोरी या लेस लगाएं। अब डोरी का कोना ऊपर रखकर इस तरह से डबल करें और कटिंग के मुताबिक तिरछी सिलाई लगाएं ताकि ये बेल शेप में आए। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दें और सीधी साइड पर पलट लें। इसी तरह दूसरी साइड की डोरी तैयार करें। आर्म होल की सिलाई ऑलरेडी हमने लगा ली है। अब नीचे से सिलाई स्टार्ट करें। ख्याल रहे कि फिटिंग का मार्क छोड़कर फिर सिलाई स्टार्ट करें। कटिंग के मुताबिक गोलाई में सिलाई लगाएं। अब यहाँ नेकलाइन के कोने में अंदर की तरफ डोरी रखकर सिलाई लगाएं। अब दूसरी साइड पर भी उसी तरह डोरी रखकर स्टिच करें। और सिलाई लगाते हुए फिटिंग के मार्क पर स्टॉप करें। अब पूरी सिलाई के साथ हल्के हल्के कट्स लगाएं। व्यूअर्स, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए यहाँ तक स्टॉप की है। अब ये सिर्फ बैक साइड ओपन है। यहाँ से फ्रंट साइड की डोरी बाहर निकालें और सीधी साइड पर पलट लें। इसी तरह दूसरी साइड सीधी साइड पर पलट लें। अब सिलाइयाँ बराबर करते हुए अच्छी तरह से प्रेस करें। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब पहले अंदर वाले पीस बराबर करें और फिटिंग के निशान के मुताबिक सिलाई लगाएं। अब लाइनिंग का कपड़ा बाहर की तरफ से इस तरह बराबर करते हुए सिलाई लगाएं। इस तरह से फिटिंग की सिलाई भी इनविजिबल होगी। इसी तरह दूसरी साइड की सिलाई लगाएं। अब बैक साइड के इस भरे हुए कपड़े को दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएं। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी साइज़ में जैकेट तैयार कर सकती हैं। व्यूअर्स, जैकेट की स्टिचिंग कंप्लीट है। बहुत नीट और ख़ूबसूरत जैकेट तैयार हुई है। व्यूअर्स देखिए, जैकेट फ्रॉक के मुताबिक बिल्कुल फिट आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें और उर्दू गर्ल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।